नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आइए आपको दिखाते हैं देश और प्रदेश की तमाम खबरें। आजमगढ़ के लालगंज में सोमवार को कांग्रेस पार्टी 8 किलोमीटर का भाजपा गद्दी छोड़ो का नारा देते हुए पैदल मार्च का आयोजन कर रही, जिसकी शुरुआत स्वर्गीय पुरस्कृत मंत्री चंद्रजीत यादव के आवास पर उनके चित्र पर माल्यार्पण करके शुरू किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी झंडा बैनर लेकर नारा लगाते हुए डटे रहे। ये पदयात्रा कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की 19वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजबली राम ने बताया कि यात्रा वैरीडाई, दलित बस्ती, वैरीडी गांव, खितौरा, दौना, सेवईपार, खटौला, खुर्द, करौली, कला, मिनाजपुर, गांव सुखीपुर, छावनी, सरखरंगा, भगवानपुर होते हुए लालगंज तहसील मुख्यालय पर समाप्त होगी। सर, इस कार्यक्रम के विषय में बताइए। मैं राजबली राम, प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य जी। आज हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता जी, आज माननीय प्रियंका गांधी, माननीय सोनिया गांधी, माननीय राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन की 19वीं जयंती के अवसर पर या मोदी की इस सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ हम सभी लोग इकट्ठा होकर एक पद यात्रा निकाले हैं, जिसमें इस सरकार का विरोध इस स्तर पर किया जा रहा है कि यह सरकार सजग हो और महंगाई कम करे, गरीबों को सताना कम करे और आने वाले जो रोजगार है वह रोजगार, बेरोजगार जो नौजवान सड़कों पर घूम रहा है उसको रोजगार दिया जाए और डीजल पेट्रोल की महंगाई कम किया जाए, जिससे आम जनता त्रस्त हो, सामान्य जीवन व्यतीत करे। मिशन 2022 को लेकर क्या कहेंगे आप? 2022 क्या मिशन हम लोग लेकर चल रहे हैं और माननीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हमारे कांग्रेस जन सभी लोग इकट्ठा हो करके ये लड़ाई लड़ेंगे और माननीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनाएंगे।